जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विशेष रूप से शिरकत करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान हरोली भाजपा ने जनसमूह जुटाकर नेता प्रतिपक्ष को चुनौती पेश की है। उपमंडल मुख्यालय पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर जुबानी शब्द बाण छोड़े, वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने भी हरोली की जनता से एक मौका देने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचते गाते भाजपा के पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की। आज आप सबके सामने हरोली के लोगों ने हरोली के लिए प्रोफेसर राम कुमार के रूप में एक नामांकन पत्र भरा, जिसमें हरोली की जनता की भावनाओं की सुनामी हम सबको देखने को मिली। इस नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे छोटे बच्चे भी है, सब ने जो उत्साह, जो जुनून इस कार्यक्रम में दिखाया है वो ऐतिहासिक है। शायद इससे पहले कभी इस तरह की भावनाएं मेरे किसी कार्यक्रम रही हो, जहाँ हरोली ने कभी इस तरह का नामांकन का कार्यक्रम देखा हो, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है कि शायद पहला आज तक का ऐसा किसी नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम था जिसमें केवल और केवल हरोली के लोग ही आए थे और इतनी बड़ी संख्या में आए। एक भावनाओं का समुंदर, भावनाओं की सुनामी हम सब ने यहाँ देखी। हमारा हथियार, हमारा मुद्दा एक ही है कि हमने काम किया है, हमने जो विकास के काम किए हैं, हमने हर व्यक्ति तक जो राहत देने का काम किया है, उन कामों को लेकर लोगों में जा रहे हैं और ये काम लोगों में है। उल्टा लोग स्वयं प्रचार कर रहे हैं इस पर। मुझे या मेरे को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप राम कुमार का सहयोग करो, राम कुमार का समर्थन करो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो। उल्टा जनता, एक आम आदमी ये कह रहा कि भैया इस बार काम बहुत हुए हैं, राम कुमार ने काम बड़े करवाए, इसलिए अपने आप जनता इस तरह का जन समर्थन दे रही है, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद आपके यहाँ के वो नेता हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि जयराम जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, यही बोलते रहते थे। और मैं आज उनको कहने जा रहा हूँ, 5 वर्ष आपका गला सूख गया बोलते बोलते, ना जयराम गया ना राम कुमार गया। और जिनको तुम जाने वाले कहते थे वो आने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में फिर आने वाले। और खासतौर से उनको बहुत परेशानी, पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किए, ये मुझे बड़े बड़े तंबू लगा दिए, तुम्हारा तो उखड़ गया भाई, अपने आप सबके साथ आप सलामत रहे, हमारी दुआ है, लेकिन तंबू तो नहीं बचा वो तो। और हरोली में ही उखड़ गया, लेकिन सबूत नहीं बचेगा।